एम सोल्यूशन चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बोर्ड एग्जाम की तैयारी में आज 24वां भाग है, जिसमें हम आज शंकु परिच्छेद से संबंधित प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। वृत्त का समीकरण सबसे पहला टॉपिक है शंकु परिच्छेद, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं कोनिक सेक्शन। इसके अंतर्गत आपको वृत्त के समीकरण पढ़ना है। वृत्त का समीकरण जिसका केंद्र मूल बिंदु तथा त्रिज्या ए हो। वृत्त का समीकरण जिसका केंद्र मूल बिंदु तथा त्रिज्या ए हो, तब उसका समीकरण क्या होता है। बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से ये सारे सूत्र बहुत महत्वपूर्ण हैं। हो सकता है कि परीक्षा में इनसे संबंधित क्वेश्चन आ जाए और आपको यह सूत्र ही न याद रहे। तो सबसे पहले आप सूत्रों को अच्छे तरीके से याद कर लें और इसे लिख लें। 2-3 बार लिख करके अभ्यास करें और याद करें तो जरूर याद हो जाएगा। इसलिए मैंने इसका वीडियो बनाने का डिसीजन लिया है। तो पहला फार्मूला है कि वृत्त का समीकरण जिसका केंद्र मूल बिंदु तथा त्रिज्या ए हो, वो होता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। अब जस्ट इसके नीचे दूसरा वाला सूत्र, वृत्त का समीकरण जब केंद्र एच कमा के तथा त्रिज्या ए हो, तब तब वृत्त का समीकरण क्या होगा। तब वृत्त का समीकरण होगा एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग डाउट में रहेंगे कि वृत्त का समीकरण यह भी है और यह भी है, ये कब यूज किया जाएगा और ये कब यूज किया जाएगा। इस चीज़ को आप लोग अच्छे तरीके से समझ लें। ये तब इस्तेमाल करना है जब केंद्र मूल बिंदु हो, और ये तब इस्तेमाल करना है जब केंद्र एच कमा के हो। एच कमा के का मतलब कुछ उसका निर्देशांक दिया हो, मूल बिंदु न तो दे करके उसके केंद्र को कुछ निर्देशांक के रूप में दे दिया हो, जैसे 3.5, 2.3, a, b, p, q, कुछ भी दिया हो। अगर केंद्र का निर्देशांक दे रहा है 0.0 के अलावा कुछ और दे रहा है, तो आपको ये फार्मूला यूज करना है। अगर केंद्र 0.0 दे दे रहा है तो ये फार्मूला यूज करना है। वैसे अगर आप 0.0 वाला इसमें यूज कर देंगे तब भी यही आंसर आएगा और सही आंसर आएगा, क्योंकि 0.0 भी तो एक बिंदु है। अब हम लोग बढ़ेंगे सूत्र नंबर 3 की तरफ। सूत्र नंबर 3 में दिया वृत्त का व्यापक समीकरण। अभी ऊपर हम लोगों ने वृत्त का समीकरण पढ़ा है जो साधारण समीकरण होता है, लेकिन अब वृत्त का व्यापक समीकरण हम लोग पढ़ेंगे, जिसका फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। जी हाँ, याद रहे कि वृत्त का व्यापक समीकरण यह होता है, यानी वृत्त का व्यापक समीकरण जब भी पूछा जाएगा तब आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी बराबर 0 वाला इक्वेशन यूज करना है। इस स्थिति में भी वृत्त का केंद्र कुछ और होता है और वृत्त की त्रिज्या कुछ और होती है, जिसे हम नीचे लिख कर रखे हुए आपको दिखा दे रहे हैं कि जब व्यापक समीकरण आप यूज करेंगे, जब व्यापक समीकरण वाला फार्मूला लगाएंगे, तब इस स्थिति में वृत्त का केंद्र माइनस जी कमा माइनस एफ लेंगे और वृत्त की त्रिज्या को कर्णी के अंदर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी के रूप में लेंगे। ध्यान रहे ऊपर जो दो सूत्र हमने देखा है और लिखा है वो वृत्त का समीकरण, वो सिंपल वृत्त का समीकरण है, लेकिन जब आप व्यापक समीकरण इस्तेमाल करें तब वृत्त का केंद्र माइनस जी का माइनस एफ यूज करें और वृत्त के त्रिज्या को कर्णी के अंदर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी के रूप में लिखें। इन तीनों में थोड़ा बहुत अंतर आपको याद होने चाहिए कि क्या अंतर है और कौन सा सूत्र कब लगाना है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। टॉपिक नंबर 4 हमने नोट किया है आप लोगों के लिए कि वृत्त का प्राचलिक समीकरण या परामितीय समीकरण। वृत्त का प्राचलिक समीकरण या परामितीय समीकरण, इसमें हम x बराबर a का थीटा लिखते हैं और y बराबर a साइन थीटा लिखते हैं। एक्स बराबर ए कॉस थीटा और वाई बराबर ए साइन थीटा। इसमें हम आपको एक बात बता दें, अगर इन दो समीकरणों को वर्ग करके जोड़ दिया जाए तो वृत्त का समीकरण प्राप्त हो जाएगा, जो कि मैंने सबसे पहले पहले नंबर में बताया है। अगर आप वृत्त के परामिति समीकरण को, यानी एक्स बराबर ए कॉस थीटा और वाई बराबर ए साइन थीटा, इन दोनों को आप वर्ग करके अगर इनको जोड़ते हैं तो हमें प्राप्त होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, क्योंकि कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे टॉपिक नंबर 5 पर। टॉपिक नंबर 5 दिया हुआ है वृत्त का समीकरण
जिसके व्यास के सिरों के निर्देशांक x1 कमा y1 तथा x2 कमा y2 हों, तब समीकरण क्या होगा? ध्यान रहे, जब वृत्त के समीकरण पूछे जाएं और व्यास के सिरों के निर्देशांक दिया हो। एक बार मैं फिर से रिपीट करूंगा कि जब वृत्त के व्यास के सिरों का निर्देशांक दिया हो x1 कमा y1 तथा x2 कमा y2 के रूप में, तब आपको वृत्त का समीकरण निकालने के लिए यह फार्मूला इस्तेमाल करना है जो कि मैंने नीचे लिखा है और आपको दिख भी रहा होगा। तो आज मैंने आपको टोटल 5 टॉपिक बताए वृत्त के समीकरण से संबंधित। पहला था वृत्त का समीकरण, दूसरा वाला भी था वृत्त का समीकरण। पहला वाला वृत्त का समीकरण ये था कि x² + y² = a² ये कब के लिए है? ये जब केंद्र मूल बिंदु दिया हो तब के लिए है। और दूसरा वाला समीकरण था x - h² + y - k² = a², ये कब के लिए है? जब केंद्र कोई बिंदु दिया हो, जब केंद्र h, k के रूप में दिया हो, तब आप इस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। तीसरा मैंने बताया कि वृत्त का व्यापक समीकरण x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0, और इसमें वृत्त का केंद्र कोष्टक में -g, -f यूज करेंगे और वृत्त की त्रिज्या कर्णी में g² + f² - c को यूज करेंगे। और चौथा मैंने बताया कि वृत्त का प्राचलिक या परामिति समीकरण होता है x = a cos थीटा, y = a sin थीटा। इनको अगर हम वर्ग करके जोड़ दें तो x² + y² = a² प्राप्त होगा, जो वृत्त का पहला फार्मूला है। और लास्ट में 5वां नंबर हमने बताया आपको कि वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए यदि व्यास के सिरों के निर्देशांक x1, y1 तथा x2, y2 हो, तब समीकरण का फार्मूला ये होगा, तब समीकरण ये होगा x - x1 x - x2 + y - y1 y - y2 = 0। तो ध्यान रहे, वृत्त से संबंधित ये 5 फार्मूले अगर आप याद रखते हैं तो हमें लगता है कि वृत्त से संबंधित अगर इजी क्वेश्चन आएगा तो आप बहुत आसानी से हल कर लेंगे। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में इसके आगे का फार्मूला लेकर। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें।